हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैगल एकेडमी। और कैसे हो? तो अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 7 एनसीईआरटी। तो फर्स्ट सम है फाइंड डिवाइड वाले सम में ही, तो जरा ध्यान से करना है। 12 डिवाइड में है 3/4, ठीक है। 12 डिवाइड में है 3/4, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, डिवाइड के इधर वाले का रेसिप्रोकल करना है, ना कि इधर वाले का। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो राइट साइड वाले का आपने रेसिप्रोकल करना है। तो कैसे करेंगे? 12 यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का पहले साइन क्या चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन में, फिर इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसका करना है, ध्यान रखना है। तो ये कटता है तो काट दो, 3 × 3, 3 × 4 = 12, और ऊपर नीचे काटना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर काट देते हैं, जो कि गलत है। जैसे 4 × 4 काट दिए, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस में भी काट सकते हो और ऊपर नीचे ऐसे भी काट सकते हो। तो 3 × 3, 3 × 4 = 12, 4 × 4 कितना आ गया 16, तो आपका ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 14 / 5/6, तो ये 14 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये कटता नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 84, 14 × 6 = 84, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा 5। अगर ये इम्प्रॉपर में आ गए तो इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। कैसे करेंगे भाई? जैसे मैंने आपको पहले भी तरीका काफी बार करा चुका हूँ, 2.2 में भी हुआ है, 1 में भी हुआ है। तो 5 × 5, 3 आ गया 34, 5 × 6 = 30, 4 आ गया, तो 16 यहाँ पे, 4 ऊपर 5 नीचे, ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अब है थर्ड पार्ट, 8 / 7/3, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 7, 8 × 3 = 24, अपॉन में 7, ठीक है, 7 × 3 = 21। क्वेश्चन ऐसे, 3 बचा, 3 बाय में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट। तो इजी है, डिवाइड को पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है, फिर उसका क्या करते हैं ना रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल किसका करना है, राइट हैंड साइड का, ठीक है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, 4 / 8/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई का साइन, 3 में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, आंसर कितना आ गया 3/2, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, 3 / 2 = 1/3, 3 / 2 = 1/3, 3 आ गया, पहले इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बना लेंगे, 3 × 2 = 6, 7/ में कितना आ गया 3, 3 मल्टीप्लाई का साइन, 3 ऊपर 7 नीचे, 3 × 3 = 9, अपॉन में 7, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 1/2/7 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सम है सिक्स पार्ट, ध्यान रखना है, तो इसका डिवाइड का साइन आप चेंज करोगे, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन को आप उल्टा करोगे, पहले 5, 7 × 3 = 21, 21 × 4 कितना गया 25, अपॉन में 7, 5 मल्टीप्लाई का साइन, इसका उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 7/5 आ गया, ठीक है। अब इसको इम्प्रॉपर है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 5, 2/5, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया आपका। अब करते हैं सेकंड सम, सेकंड सम है फाइंड द रेसिप्रोकल। जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, जो भी डिजिट आपको दी हुई है, आपने क्या करना है इक्वेशन का, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब हिंदी में होता है उल्टा, उसका उल्टा कर दो, तो ऊपर वाली चीज को नीचे, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर का क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, 3/7 दे रखा है, अब रेसिप्रोकल करना है इसका, तो यहां लिख दो, अगर लिखना है तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/3। अब वो पूछ रहा है क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्या ये इम्प्रॉपर है, क्या ये प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा साइड में आंसर, इम्प्रॉपर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है 5/8, फिर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ
फाइव बाई एट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट बाई में फाइव। ये क्या है, ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाला न्यूमिनेटर ज्यादा है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है नाइन बाई में सेवन। फिर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ नाइन बाय सेवन इज इक्वल टू कितना आ गया, सेवन बाय में नाइन। तो सेवन बाय नाइन डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसको क्या लिखोगे आप, प्रॉपर। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो ये आपके थर्ड पार्ट हो गए हैं, अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट है सिक्स बाय फाइव। फिर यहां लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ सिक्स बाय फाइव इज इक्वल टू कितना आ गया, फाइव बाय में सिक्स। तो ये क्या है, प्रॉपर है, तो इसको लिख देंगे प्रॉपर, ये आंसर है। फिफ्थ है ट्वेल्व बाय में सेवन, ट्वेल्व बाय में सेवन। फिर करेंगे इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ट्वेल्व बाय सेवन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेवन बाय में ट्वेल्व। तो ये क्या है, ये प्रॉपर है। ठीक है, न्यूमिनेटर ज्यादा हो तो क्या होता है, प्रॉपर होता है। डिनोमिनेटर अगर ऊपर वाला ज्यादा हो तो क्या होता है, इम्प्रॉपर। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जो तीन चीजों में डिवाइड करके लिखते हैं उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। फिफ्थ हो गया आपका, अब आपका आपका सिक्स पार्ट, इसको कर लो, नोट डाउन कर लो इसको। सिक्स पार्ट कर रहे हैं इसका, तो इजी वे से करना है इसको, कोशिश करूंगा कि ढंग से समझाऊं। अब इसका करते हैं सिक्स पार्ट, वन बाय एट है। यहां लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ वन बाय एट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एट बाय वन, एट ही होता है। तो ये किस में आ गया, होल नंबर में आ गया। ठीक है, ये क्या चीज है हमारी, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अब करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। ये दे रखा है वन बाय इलेवन, तो क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ वन बाय इलेवन इज इक्वल कितना आ गया, इलेवन। तो ये क्या चीज है आपकी, ये होल नंबर है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? तो ये होल नंबर आ गया, ये आपका सेकंड सम कंप्लीट हो गया। अब करते हैं थर्ड सम, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। थर्ड सम है फाइंड फर्स्ट पार्ट, सेवन बाय थ्री डिवाइड में टू। तो इसमें ध्यान रखना है आपने, पजल नहीं होना। क्या होता है, टू का रेसिप्रोकल करना है आपने। जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन डालोगे, टू का रेसिप्रोकल। हमारे पास अगर टू दे रखे तो इसका मतलब है टू बाय वन, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय में टू। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब देखो सेवन बन जाए सेवन, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, वन बाय सिक्स, डिवाइड करके देख लिया करो, अगर नहीं समझ आती तो क्वेश्चन इधर होता है, रिमाइंडर ऊपर होता है, और डिवाइजर कहाँ आता है, नीचे आता है। अगला सेकेंड पार्ट है फोर बाय नाइन डिवाइड में फाइव। तो फोर बाय नाइन मल्टीप्लाई का साइन वन अपॉन में फाइव, सेम सम है, फोर वन जा फोर, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, ये आंसर आ गया आपका। थर्ड पार्ट सिक्स बाय थर्टीन डिवाइड में सेवन। तो सिक्स बाय थर्टीन मल्टीप्लाई का साइन वन बाय सेवन आ जाएगा, सिक्स वन जा सिक्स, थर्टीन सेवन जा कितना होता है, नाइन्टी वन। ठीक है, तो सिक्स अपॉन में क्या आ गया, नाइन्टी वन आ गया। तो इसका नोट डाउन कर लो, समझ आ गया होगा आपको। तो ये सीधा बताना ही है बस, प्रॉपर वगैरह सेकंड सम में बताना था हमने, इसमें नहीं बताना। तो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड सम का फोर्थ पार्ट, फोर वन बाय थ्री डिवाइड में थ्री। ठीक है, पहले इसको खोल लेंगे, फोर थ्री जा थ्री, फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व और वन कितना होता है, थर्टीन अपॉन में थ्री डिवाइड थ्री, थर्टीन अपॉन में थ्री, ये क्या हो जाएगा, वन बाय में थ्री, थर्टीन अपॉन में थ्री, थ्री जा नाइन, नाइन वन जा नाइन, फोर आया, फोर अपॉन में नाइन। तो ये आंसर आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अगला करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है
थ्री वन बाय टू डिवाइड में कितना आ गया, फोर आ गया, थ्री टू दिक्स सेवन कोण में टू डिवाइड में फोर। तो क्या करोगे, सेवन कोण में टू वन बाय में कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, सेवन बाय में कितना आ गया, एट आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, फिफ्थ सम हो गया आपके, लास्ट सम है सिक्स, नोट डाउन करते रहो। अब करते हैं सिक्स सम, सिक्स सम है फोर थ्री बाय सेवन डिवाइड में सेवन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, थर्टी वन अपॉन में सेवन आ गया, डिवाइड का साइन है सेवन, थर्टी वन अपॉन में सेवन मल्टीप्लाई का साइन डाल के वन अपॉन सेवन, थर्टी वन अपॉन में सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया है, कंप्लीट हो गया आपके थर्ड सम, तीन सम कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैथ को इजी वे में लें, इजी वे में मैथ आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई दिक्कत है तो आप बताओ, मैं अच्छे से और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप वाइज, बच्चा अगर स्टेप वाइज करेगा ना बेटा, स्टेप वाइज करो मैथ्स को, जो चीज होती है स्टेप वाइज करोगे तो आपको इजी लगेगा, एकदम छलांग लगाते हो ना तो आपसे गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाता है। तो इसको गलत नहीं करना, इसको फ्रेंड बनाना है मैथ को, मैथ को अपना फ्रेंड बनाओ तो आपको अच्छा लगेगा, मैथ बहुत इजी लगेगा। ओके बाय।